हाय दोस्तों, सभी का स्वागत है इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में। चलिए आज आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा, अगर आपके पास 4G का सिम और 4G का फ़ोन है, यानी आपका कहीं कहीं लॉन्च किया गया है वोल्टी, जो किसी किसी राज्य में लॉन्च किया गया है, आपका फ़ोन आपका 4G का जो आपका वोल्टी सपोर्टेबल है या नहीं है, एयरटेल जो आपका लॉन्च किया है, इस वीडियो में यही बताऊंगा। बताने से पहले हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा जो कि आपका एयरटेल का वेबसाइट है। वहाँ पे आप टाइप करके लिख सकते हैं भी आपने airtel.in/volti, ये जैसे लिखेंगे ये आपका वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एयरटेल वोल्टी आपका लिख रहा है, जो कि आपका किसी किसी राज्य में लॉन्च किया है, जो कि जैसे कि आपका राजस्थान, बिहार। यहाँ पे जैसे आप नंबर डायल कीजिएगा, वहाँ पे आपका एक OTP आएगा, जिससे आप OTP यहाँ पे इंटर करेंगे, आप यहाँ पे एलिजिबल आपका वहाँ पे चेक कर पाएंगे आपका वोल्टी फोन है या नहीं है। हाँ, और उसके अलावा आपका 10-10 GB 3 बार डेटा दिया जा रहा है, जो कि 30 GB डेटा हर सप्ताह के बाद, यानी एक सप्ताह पूरा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह आपका 10 GB डेटा दिया जा रहा है आपका इस वोल्टी को, जो आपका एयरटेल द्वारा आपका जो है उसको चेक कर रहा है कैसा आपका वोल्टी आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको सारे फ्री में दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे डालेंगे आपने OTP में जाएगा तो वहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी दिख जाएगा, आपका एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने जैसे डाला है, वो आपने यहाँ पे लिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली, यहाँ पे जैसे लॉन्च कर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते मेरे हमने स्वामी का जो आपका रेडमी का हम मेरा पास फोन है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में आपका दिया गया है फोन सेलेक्ट करें, आपका जो फोन है वहां पे सेलेक्ट करके आप उससे वहां पे वोल्टी एनेबल कर सकते हैं। और 30 GB जो डेटा लेने के लिए आपके पास एयरटेल द्वारा लिंक मैसेज किया जाता है, उस लिंक को ओपन करेंगे। उस लिंक को ओपन करने के बाद वहां पे आपको जो जो आपको बताया जाएगा, यहां पे देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक करेंगे तो वहां पे सारा मोबाइल फोन का आपका आ जाएगा। हमने XYMI का जो हमने लिया है फोन तो उसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते सबसे पहले आपके बताया जा रहा है सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में जाए, उसमें आपका वोल्टी को एनेबल करें। जैसे आप एनेबल करेंगे तो आपका वहाँ पे चेक हो जाएगा आपका है या नहीं है, सपोर्टेबल है या नहीं। हाँ, और आपको बता देना चाहूँगा ये जो सिम आपका रखेंगे सिम स्लॉट 1 में लगा के रखिएगा, तभी आपका वोल्टी सपोर्टेबल है, अन्यथा ये आपका काम नहीं कर पाएगा वोल्टी। तो ये बात ध्यान में रखेंगे तभी आप एयरटेल का वोल्टी आप यूज कर सकेंगे। यहाँ पे सारी फोन का है, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट में, जिसे आप जाइएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ, और उसके आपको बता देना चाहूँगा इस डेटा को लेने के लिए आपको पहले बता रहे थे कि आपके पास लिंक मैसेज किया जाएगा। अगर आपने फ़ोन अपग्रेड नहीं किया होगा सबसे पहले अपग्रेड करवाना पड़ेगा, आपके पास अगर सिम नहीं होगा 4G का तो सिम डालना पड़ेगा, तभी आपका ये 30 GB डेटा के एलिजिबल होंगे और एयरटेल द्वारा आपको मैसेज किया जाएगा। अगर आपके पास वोल्टी फोन होगा तो ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज चल गया होगा या तो फिर चल जाएगा, क्योंकि आपका ये टेस्टिंग चल रहा है हर जगह, यानी कि आपका बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान, ये सारा जगह टेस्टिंग किया जा रहा है, यानी लाइव हो चुका है वोल्टी का, जो कि एयरटेल द्वारा लॉन्च कर चुका है। इस वेबसाइट में जा करके चेक करना चाहेंगे तो आप आसानी से आप चेक कर सकते हैं इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, वहां से आप जान सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक करेंगे, दोस्तों का साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद।